अच्छा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज अपन ने कल डिस्कस कर लिया था लाइट के बारे में, बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ था अपना। सभी चीजें अपने देख ली थी, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, कहाँ ट्रैवल करती है, सीधी लाइन में करती है, डीडी में करती है, कैसा नहीं करती है, थोड़ा रिफ्लेक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। उससे पहले एक सिंपल सा कैमरा डाउनलोड किया था, पिनहोल कैमरा के नाम। मैंने कल बताया था आपको पिनहोल कैमरा कैसे पढ़ेंगे, आज अपन पिनहोल कैमरा पढ़ेंगे भी और उसको फिर ऑब्जर्व भी करेंगे। मैं पिनहोल कैमरा लेके आया हूँ एक आपके लिए, उससे हम एक एक करके सबको ऑब्जर्व कराएंगे। तो एक बार पहले पिनहोल कैमरा के बारे में लिख लेते हैं, ये होता क्या। ठीक है हिमांशी, आप पिन को पिन होल कैमरा उठा लो और एक बार ऑब्जर्व करो खुश की साइड में आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, दिखा आपको कैसा दिख रहा है? उल्टा नजर आ रहा है। खुश का सर नीचे है और पैर ऊपर है। अच्छा चलो इसको वैलिडेट करते हैं। हाँ वंशिका आप आके देखो, ये बोल रही है उल्टा नजर आ रहा है, आपको भी उल्टा नजर आएगा क्या? आप बैठो, उठाओ कैमरा, ऑब्जर्व करो, देखो खुश कैसा नजर आ रहा है। उल्टा ही आ रहा है, पक्का है? ऐसा करते हैं अपन कैमरे के अंदर देखते हैं सच में उल्टा नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। खोलो जरा इसको। हाँ आप क्या करते हैं, अब एक बार मैंने इसको सेट कर दिया है तो ऐसा करो ध्रुव, तुम है ना खिड़की के पास जाके खड़े हो, ठीक है, और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ध्रुव को कि वो कैसा नजर आ रहा है। तो हमें ध्रुव अभी सीधा नजर आ रहा है, अब हम क्या करेंगे इसको कैमरे के सामने रखते हैं फिर देखते हैं कैसा नजर आएगा। ठीक है, दिख रहा है ध्रुव? हाँ ध्रुव मूवमेंट करो, ऐसा करो मॉर्निंग पीटी जैसे करते वैसे करो, आता रहो, बहुत बढ़िया। दिख रहा है इसमें मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है? Yes, sir. और उल्टा भी नजर आ रहा है? Yes, sir. हमने देखा था ध्रुव था सीधा, वो पीटी कर रहा है सीधी सीधी, पर इसमें नजर आ रहा है उल्टा उल्टा उल्टा। ठीक है, दिख रहा है सबको? अच्छा अपन ने देखा कि इमेज जो इसमें बिंदी थी पिनहोल कैमरा में वो उल्टी सी बनी थी, उल्टी बनी थी। अब ये उल्टी क्यों बन रही है, बहुत अच्छे ने मुझसे पूछा, हिमांशी ने पूछा था, वंशिका ने पूछा था, कृष्णा ने पूछा था, जिगर ने पूछा था उल्टी नजर क्यों आ रही है। तो एक बार आप समझते हैं इसकी उल्टी क्यों नजर आ रही है, इसका डायग्राम बनाएंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया है, आप डायग्राम आप लोग अपनी कॉपी बनाएंगे। ठीक है,
एक बार इसको मिटा देते हैं, फिर इसको समझते हैं कि उल्टा नजर क्यों आ रहा है। हमने देखा इसमें दो पार्ट्स है, एक तो स्लाइडिंग पार्ट है, इसको हम आगे पीछे करते हैं, दूसरा बड़ा बॉक्स है। दोनों बॉक्स बना लेते हैं, पहले बनाते हैं बड़ा वाला बॉक्स। इसमें एक छोटा सा होल है, होल बना दिया मैंने। अब इसके अंदर दूसरा वाला, इसमें स्क्रीन लगी हुई है, वो वाला बॉक्स बना देते हैं, अंदर स्लाइड कर देते हैं, यहां से हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, यहां से हम लोग नजर करते हैं, यहां आंख बना देते हैं, पंखे बना देते हैं, इसकी आंख है, दोनों होना जरूरी है। ठीक है, इस साइड से हम नजर कर रहे हैं और इस साइड में हमने खड़ा किया था खुश को। ठीक है, खुश है, खुश हो तुम, खुशी है ये। तो क्या हुआ, खुश की इमेज हमें उल्टी नजर आई। क्यों नजर आई? जो लाइट खुश के सर पे आ रही थी वो इस होल में से पास हुई और किधर बनी, नीचे की साइड। जो लाइट खुश के पैरों से आ रही थी वो लाइट यहां से क्रॉस हुई और पिन होल में से जाते हुए बनी कहां पे, ऊपर ही आई। तो सर वाली लाइट जो थी वो ऊपर थी तो ये ऊपर आ गई, फिर हाथ वाला पार्ट आया, फिर और नीचे चले तो पैर आ गए, तो हमें खुश उल्टा नजर आया। आया ऐसे ही हर इमेज इसके अंदर उल्टी ही नजर आएगी, हमेशा उल्टी नजर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि लाइट जो निकल रही है इस पिन होल में से, वैसे जब जा रही है तो ऊपर वाली लाइट की रेस जो है वो नीचे जा रही है, नीचे वाली रेस की लाइट जो है वो ऊपर जा रही है। इसकी वजह से हमें इमेज जो यहाँ प्रोजेक्टर पे नजर आती है वो उल्टी आती है, और किसी की परछाई हमको यहाँ पे अपनी आंखों से देखने को मिलती है। छोटा वाला बॉक्स है जो अंदर घुसता है उसमें हमको देखने को मिलता है कि वो उल्टा नजर आ रहा है। ये है कारण हमें पिन होल के अंदर हमें उल्टा नजर क्यों। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलो एक बार अब ये देखते हैं कि ये पिन होल कैमरा बना कैसे है ना, और आप लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अर्थात आपको दो बॉक्स मिल रहे हैं, दो बॉक्स दिख रहे हैं आप दोनों को, आइए दोनों बॉक्स दिख रहे हैं। पहला बॉक्स ध्यान से देखो ऐसा है जिसके अंदर दूसरा बॉक्स फिट हो जाए। ठीक है, तो आपको जब भी लेना है इस टाइप का बॉक्स लेना है जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाए। ठीक है, अब पहला वाला बॉक्स जो बाहर वाला है उसको देखो जरा, उसमें आपको एक छोटा सा छेद दिख रहा है, छोटा छेद नजर आ रहा है ना। ऐसा ही छोटा छेद जो होता है, ये छोटा छेद हमारा पिन होल का काम करता है ना, ये हमारा काम करता है पिन होल का। ठीक है, अब दूसरा वाला बॉक्स इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको सामने एक स्क्रीन सी नजर आ रही है, बटर पेपर लगाई हुई जो कि ट्रांसलूसेंट कांच से बनाई हुई है ना। इसमें आपको दिख रही है बटर पेपर से बनाई हुई है, व्हाइट कलर की कांच सी है, इसके अंदर हमको जिसपे हमारी इमेज फॉर्म होती है, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है वो इस बटर पेपर वाले कांच के ऊपर फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब पीछे देखने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे होल दे रखा है, इसमें एक होल है, वो होल हम लोग जनरली क्या करते हैं जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग ऐसे होल ना बना के और ऊपर सर के ऊपर एक काला कपड़ा डाल लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इस होल के अंदर से आप देखोगे तो आपको काला कलर मिल जाएगा, इसमें काला पेंट करना है ताकि लाइट जो भी एक्स्ट्रा आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इनको फिक्स करते हैं, स्लाइड करते हैं आगे पीछे और इमेज देखते हैं। तो आप लोग बना सकते हो अपना खुद का कैमरा। एक क्या करना है, कार्डबोर्ड लेने हैं, दो कार्डबोर्ड के बॉक्स ऐसे होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे में फिक्स हो जाए, दोनों में एक दूसरे में फिक्स हो जाएंगे। पहले वाले के अंदर आपको बनाना है पिन होल, छोटा सा एक होल बनाना है सामने की तरफ, दूसरे वाले में आगे से कट करके और बटर पेपर चिपका के दोनों को अंदर की तरफ फिक्स कर देना है और सामने की तरफ काला कपड़ा लगा के, और ऑब्जर्व कर सकते हो आपको जैसा इस कैमरे में नजर आ रहा है वैसा ही आपको उस कैमरे में जो आप लोग बनाओगे उसमें नजर आ रहा है। तो जब भी आप लोग जैसे छुट्टी में घर जाओ या कभी आपको कुछ मूड हो कि यार हमारे पास सामान है और हम बना सकते हैं, तो एक बार पिन होल कैमरा बना के देखना, आपको सब में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये खिलौने की तरह काम कर रहा है हमारा।
है ना, खिलौना इतना हो गया, फिर आप इसको दिखाते, सबको दिखाना कि देखो हमने क्लास में देखा था और हमने ये बनाया है, आप लोग ऑब्जर्व करो इसे, उनको भी ऑब्जर्व होगा तो उनको भी मजा आएगा। ठीक है, चलो बैठ।